सो दोस्तों, इंडियाना नाम की एक जगह पर एक बहुत ही फेमस लेक है और उस लेक का नाम है लेक मिचिगन। तो 2013 में वहाँ पर एक हादसा हुआ था। तो एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था कि एक फैमिली वहाँ पर घूमने गए थे, यानी कि लेक मिचिगन के किनारे पर घूमने गई थी। तो उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनका 6 साल का बेटा था। वो उस सैंडी रीजन में यानी कि रेतीले इलाके में घूम ही रहे थे कि बीच में ही उनका 6 साल का बेटा नेथन गायब हो गया। तो एक्चुअली वो बच्चा गायब कहाँ पर हुआ था और वहाँ पर सिचुएशन हुआ क्या था, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ आगे इस वीडियो में। हे गाइस, आई एम क्रुटेश जठार, ग्रेसेंस बड़ी। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2013 में लेक मिचिगन के किनारे पर गायब हुए बच्चे के बारे में। तो वहाँ पर एक्चुअली सिचुएशन हुआ क्या था वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो 2013 में वो फैमिली उस लेक मिचिगन के किनारे पर यानी कि उस लेक मिचिगन के आसपास के इलाके में घूमने आए थे। तो वो आसपास का इलाका ऐसा था कि वो एक सैंडी रीजन था, यानी कि एक रेतीला इलाका था। और वो सैंडी रीजन क्यों था, क्योंकि वहाँ पर एक सैंड ड्यून था, यानी कि सैंड का पहाड़ था, और उस सैंड ड्यून का नाम था माउंट बैल्डी। तो वहाँ पर वो लोग घूम ही रहे थे, यानी कि ऐसे ही टहल रहे थे। तो टहलते टहलते हुआ क्या कि उनका जो 6 साल का छोटा बेटा था, यानी कि वो 6 साल का छोटा बच्चा था, वो बीच में ही गायब हो गया, यानी कि वो एक गड्ढे में गिर गया था। और वो गड्ढा भी ऐसा था कि वो दिख नहीं रहा था। और जैसे ही वो बच्चा उस गड्ढे में गिरा, वैसे ही 5 से 6 सेकंड में वो गड्ढा पूरी तरह गायब हो गया, यानी कि जैसे कि वहाँ पर कुछ हो ही ना ऐसा दिख रहा था। तो अभी वो लोग बहुत पैनिक सिचुएशन में थे, तो उन लोग ने अपने बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश की। तो अचानक हुआ क्या कि नीचे से उनके बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई। तो जहाँ से उनकी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, उन्होंने वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी। पर वहाँ पर खुदाई करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो जो सैंड थी यानी कि वो जो रेत थी, वो इतनी पतली थी कि वहाँ पर हाथ से खुदाई करना मुमकिन नहीं था। वो एक बहुत ही पाउडर्ड सैंड थी। तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने फट से यानी कि बहुत जल्दी से पुलिस को कॉल कर लिया। तो पुलिस ने अपने साथ जेसीबी लाए और जेसीबी से खुदाई करते करते कम से कम 4 घंटे बाद 12 फीट नीचे नेथन यानी कि वो 6 साल का लड़का बेहोशी की हालत में मिला। पर भगवान की कृपा से वो सेफ था, यानी कि वो 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से निकला पूरी तरह से अच्छा बनके, यानी कि पूरी तरह से फाइन होके। तो अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जनरेट हो रहा है, और वो सवाल है कि वो गड्ढा आखिर आया कहाँ से। तो जिस दिन वहाँ पर यह हादसा हुआ था, उसी के थोड़े टाइम बाद वहाँ पर एक जियोलॉजिस्ट आई थी। अभी जियोलॉजिस्ट क्या होता है? जियोलॉजिस्ट वो होता है जो हमारे धरती के यानी कि हमारे अर्थ के लैंड, एयर, टेम्परेचर एक्सेट्रा चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता है। तो जैसे ही वो जियोलॉजिस्ट वहाँ पर पहुँची, उसने उस एरिया के स्थानिक लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। अभी जब ही वो पूछताछ कर रही थी, उस दौरान उस जियोलॉजिस्ट को यह पता चला कि वहाँ पर एक आदमी थोड़े टाइम पहले खुदाई कर रहा था, यानी कि वहाँ पर एक आदमी गड्ढा बना रहा था। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, वो बच्चा किसी इंसान के बनाए हुए गड्ढे में गिरा होगा। पर ऐसा नहीं है। जियोलॉजिस्ट ने जब ये बात सुनी थी कि वो आदमी वहाँ पर खुदाई कर रहा था, तभी जियोलॉजिस्ट को समझ गया था कि नेथन यानी कि वो 6 साल का लड़का किसी आदमी के यानी कि किसी इंसान के बनाए हुए गड्ढे में नहीं गिरा, क्योंकि वो जो सैंड है यानी कि वहाँ पर जो रेत है वो इतनी पतली है कि वहाँ पर खड्डा बनाना मुमकिन ही नहीं है, यानी कि वहाँ पर पाउडर सैंड है, वो वहाँ पर गड्ढा बनाना मुमकिन है ही नहीं। तो अभी ये सवाल और भी परेशान करने लगा था कि वो गड्ढा आखिर आया कहाँ से। तो वो जो हमारी जियोलॉजिस्ट थी, उसने उस एरिया में यानी कि लेक मिचिगन के आसपास के एरिया में यानी कि माउंट बैल्डी के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और रिसर्च के पहले लेवल में यानी कि पहले पड़ाव में उस जियोलॉजिस्ट ने किया क्या कि उसने अपने रोबोटिक कार को यानी कि एक रोबोट कार को उस पूरे एरिया में घुमाया और उस पूरे एरिया को स्कैन कर लिया। और स्कैनिंग के बाद जो रिपोर्ट्स आए, उससे उस जियोलॉजिस्ट के होश उड़ गए। उस जियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि वहाँ पर वैसा एक गड्ढा नहीं, बल्कि वहाँ पर वैसे और 200-300 गड्ढे थे। तो अभी ये सारे गड्ढे आए कहाँ से? तो दोस्तों, अभी आप ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा डीप में जाने वाला हूँ। तो लेक मिचिगन के आसपास का जो रीजन है वो सैंडी रीजन है माउंट बैल्डी का। और जहाँ पर ये माउंट बैल्डी ख़त्म होता है, वहाँ से एक जंगल शुरू हो जाता है। तो इतने सारे सालों से वहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो हमारा माउंट बैल्डी है यानी कि हमारा जो सैंडी रीजन है, वो धीरे धीरे करके जंगल को खाता जा रहा है, यानी कि जंगल को कवर कर रहा है अपने अंदर, समा रहा है अपने अंदर।
तो ये सब हो क्यों रहा है? तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप इमेजिन करना। आप इमेजिन करिए कि ये माउंट बेल्डी है, यहाँ पर है लेक मिचिगन और यहाँ पर है जंगल। अभी ये लेक मिचिगन बहुत बड़ी है, यहाँ से बहुत ज़ोर से हवाएं आ रही है, यानी कि बहुत ज़ोर से एयर आ रही है, और ये जो हमारी माउंट बेल्डी है इसकी जो सैंड है उसको आगे पुश कर रही है जंगल की तरफ। अभी इतने सारे सालों से ये सब प्रोसेस शुरू है और इसने अच्छा खासा एरिया जंगल का अपने अंदर समा लिया है। इसको हम साइंस की लैंग्वेज में शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स या फिर सैंड ड्यून शिफ्टिंग भी बोलते हैं। तो जंगल सैंड ड्यून के अंदर कवर हो रहा है, यानी कि जंगल में पेड़ तो होंगे ही, तो वो पेड़ भी सैंड के अंदर ही चले गए होंगे। तो अभी जो पेड़ सैंड के अंदर दबे हैं वो अंदर ही अंदर डीकम्पोज हो रहे हैं। अभी डीकम्पोज मतलब क्या? अभी कोई चीज़ मर जाती है तो वो डीकम्पोज होती है, यानी कि कोई आदमी समझो मर गया तो थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है। तो वैसा ही कुछ पेड़ के साथ भी हो रहा है कि वो पेड़ अंदर ही अंदर डीकम्पोज हो रहे। तो वो जो पेड़ है उसका पूरा अंदर का हिस्सा खोखला हो जाता है, यानी कि हॉलो हो जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि उसका बाहर का हिस्सा क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक बैक्टीरिया के वजह से प्रोटेक्टेड रहता है। वो बैक्टीरिया बाहर के एरिया को डिकम्पोज होने नहीं देता और पूरा अंदर से वो पेड़ डिकम्पोज होकर खोखला हो जाता है। तो अभी ये मिस्ट्री सॉल्व होने जा रही है। वो गड्ढे और कुछ नहीं थे, वो गड्ढे थे ट्री के ट्रंक्स, यानी कि ट्री के बाहर के हिस्से, और वो ट्री के जो बीच का हिस्सा था वही सब गड्ढे थे। तो वो बच्चा उसी एक ट्री के ट्रंक में गिरा था और अभी ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा, और ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again.